कभी संगठन तैयार नहीं होता और हम लोग इस प्रकार की मीटिंग नहीं करते। ग्राहकों को पहली बार बुलाया हमने, बाकी हम एजेंटों की सभी की मीटिंग हमारी होती रहती है। हम सब लोग दिल्ली तक भी जाते हैं, भोपाल भी जाते हैं। होशंगाबाद में भी ज्ञापन दिया कलेक्टर को, हम लोग दो दो बार ज्ञापन दे चुके हैं, नहीं हो रही है बात। और मैं ये कहना चाहूंगा, प्रक्रिया चल रही है सामने जी, क्या अपन सब लोग यहाँ बैठे हैं, कभी कोई फील्ड ऑफिसर एजेंट ने ये नहीं बोली भैया यहाँ मीटिंग करना है। जब सायगंज में जो मीटिंग हुई तो डिसाइड हम ही लोगों ने की कि सायगंज में मीटिंग रखें अपन। मतलब यहाँ भाई देखो ताली दोनों तरफ से बजती है, अगली मीटिंग आप बोलोगे, आप तारीख डिसाइड करोगे, व्हाट्सएप के आमोन में कराना, बक्तराम कराना, मैं प्रदेश अध्यक्ष को लेके आऊंगा, ये मैं कह रहा हूँ गारंटी से। प्रदेश अध्यक्ष आएगा तो अंग्रेजी भी आएंगे, खान साहब भी आएंगे, नामदेव भी आएंगे, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि अगले 15 तारीख को है या 30 तारीख को है। डेट आप करके चारों में से किसी को भी आप 8 रोज पहले बताओगे। और पालीवाल जी आपको भी बोल रहे हैं कि आप भी सायगंज में, आपके ऊपर है तो महीने में रखो, 15 दिन में रखो या 6 महीने में रखो या बिल्कुल मत रखो, डिसाइड आपके ऊपर है। आपको जितनी तकलीफ होगी उतनी जल्दी मीटिंग रखोगे, और जब तक मीटिंग रखोगे नहीं, जब तक ना जानकारी मिलेगी ना आपको ग्राहक परेशान करेगा, ये ठीक है ना। पैसे भी जमा कराए लोगों के और गरीब लोगों के, सभी लोगों के पैसे जमा कराए अपन ने, बहुत मेहनत के पैसे आप लोगों के है ना, और अच्छे कंपनी में जमा कराया, कोई गलत कंपनी नहीं थी, वो अच्छी कंपनी थी, जिसमें कि आएगी हमें विश्वास था, क्योंकि 1983 से ये कंपनी चल रही थी जिसका नाम पीएसएल इंडिया लिमिटेड के नाम से चल रही थी, पल्स ग्रुप में चल रही थी कंपनी, और हमें नहीं लगता कि ये बीच में ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। ये जब इतने सालों से चल रही थी कंपनी, हमें लगता कि अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाएगा या कोई ऐसा निवेशकों के साथ में ऐसी धोखाधड़ी हो जाएगी, ये हमने कभी सोचा नहीं था जिंदगी में, ठीक है ना। और क्या है कि ये हमें 4 साल से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि जब से ये बंद कर दिया, ये कंपनी बंद नहीं हुई, ये गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, सेबी ने बंद कर दिया, सीबीआई ने बंद कर दिया, इनके अकाउंट्स बंद कर दिया, बैंक अकाउंट्स बंद कर दिया, पैसे देना था आप लोगों को, दे रही थी पैसा, ऐसे नहीं बंद नहीं किया था, उन्हें पैसा देना चालू था उनका, लेकिन क्या है कि इसकी जब बैंक अकाउंट ही बंद कर देंगे तो पैसा कहां से मिलेगा, उसके बाद में आप लोगों से पैसा जमा करने के बाद में भी वहां से उनको चेक देते थे, लोग जमा करने के लिए जाते थे, उसी में से पैसे आपके पैसे में से पैसे लौटा रहते थे, ठीक है, वो अपने पास में नहीं रखते थे कंपनी। तो इसमें क्या है कि अभी ईआईसी संगठन बना है, ये 4 साल से कार्य कर रही है और बहुत ही अपने बहुत ही मेहनत से इन्होंने संगठन ने काम किया, 4 साल से कर रही है, ये गवर्नमेंट के साथ भी लड़ रही है, कंपनी के साथ भी लड़ रही है कि निवेशक का पैसा जल्द से जल्द मिल जाए। हम सभी की कोशिश यही है कि आपका पैसा मिल जाए, समय तो काफी हो गया, लेकिन क्या है इस कंपनी का जो डायरेक्टर है बंगू साहब, वो भी चाह रहे कि इस कंपनी को मैं खुद ले लूं। इसमें कोर्ट में इसका डिसीजन अभी चल रहा है, हुआ नहीं अभी, उसका डेट मेरे ख्याल से कितना 20 अगस्त क्या हो गया, 22 अगस्त का हो गया, 22 अगस्त हो गया, तो 22 अगस्त में उसका फैसला होने जा रहा है। अभी किस कंपनी, इसके साथ साथ में 8-9 कंपनी और भी तैयार हो गई है, वो भी लेना चाहती इस कंपनी को, कि उन्होंने देखा है कि इसके पास प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, पैसा देना कम है लेकिन प्रॉपर्टी ज्यादा है, इसलिए हर कंपनी चाहती है, हर जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो चाहती है हमें, हम ले ले उसको, और हम मोदी के सामने जब सबरे खड़े हो जाएंगे तो उनको सोचना पड़ेगा, वहाँ निकलने की जगह ना बचे, इतना ट्रैफिक जाम कर दो वहाँ, और ट्रैफिक जाम किसी गाड़ियों से नहीं, पब्लिक से हो, तो वहाँ की पुलिस को, गवर्नमेंट को भी सोचना पड़े कि वाकई में कुछ लोग मेरे यहाँ के पीड़ित हैं जिनको आज पैसा नहीं मिला है, जिनका पैसा जेब से निकला है, तो ये सब अपन को करना पड़ेगा। बस स्टैंड पे ही है और उसके लिए सबको एक होना पड़ेगा। आज हम लोगों ने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया सबके पास न्यूज पहुंचे, इसलिए तो अपने ग्रुप बनाए, लेकिन व्यक्ति पढ़ता है और कहता है कि ठीक है भैया मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो जानने को, अगर ऐसी सोच बनाएंगे तो किसी का 1 रुपए नहीं मिलना है, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं। जैसे आपने बोला नहीं मिलेगा, मैं भी कह रहा हूँ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं किसी को फोन करता हूँ भैया, 50 आप यही चीज अगर सबके दिमाग में बैठ जाए तो पैसा लेना अपने हाथों में है, कब लेना है
लेकिन उसके लिए अपन सबको पहले एक होना पड़ेगा। एक आदमी अगर कलेक्टर के पास जाएगा भैया कि मेरे 500 ग्राहक है या 1000 ग्राहक है, तो कलेक्टर कहेगा ठीक है कार्रवाई चल रही है आपको बता देंगे। लेकिन जब वही आदमी सारे वहां पहुंच जाएंगे तो जब ट्रैफिक जाम होगा तो उसको भी सोचना पड़ेगा कि यार वाकई में आदमी है, 10 एजेंट मिलकर कुछ नहीं कर सकते लेकिन 10,000 लोग मिलकर सब कुछ कर सकते हैं। इनाम में ये है अपना अगर ठीक करता है मान लो कोई जैसा कोई व्यक्ति पर कोई रूल लगाता है उसके लिए हम भी नहीं क्या सदस्यों के लिए तो ये वो ये तो क्या है जिसमें कोई राशि देना चाहता है जैसे ये फोटो लगाई है इन्हें नहीं वो तो अलग ये ग्राहकों का है इसमें इसका कुछ नहीं है रसीद करते और भैया किसी को कोई समस्या हो तो वो पूछ सकते हैं अपनी अंदर जो भी मन में जो पीड़ा हो तो बिल्कुल आदरणीय ट्रैवलर्स खान साहब रामदेव जी और सभी साथियों मुझे एक बात की पीड़ा है। जब हम आपको बिजनेस करके देते थे तब तो आप हमारे घर हर महीने में हर सप्ताह में आते थे, आज हमें पीड़ा इस बात की हो रही है कि आप पैसे बिल्कुल ना मिले, हम अपनी प्रॉपर्टी बेच के पैसे देते हैं ग्राहक होकर, पर आपका मार्गदर्शन हमें आज भी उतना जरूरी है जितना पहले था। अब तो आप नीलकंठ की तरह हो गए, हमको देने नहीं देखो है, ये हमें बहुत बड़ी पीड़ा है। धन्यवाद आपको, आपने अपने बात रखी बहुत अच्छा लगा मैं, क्योंकि आप देखो जो दुख दिल में चीज है वही चीज आपने बोली है। तीसरी बात ये सर, एजेंट हमारे सोए हुए हैं, अगर नीचे स्तर से अगर हम जगह नहीं ग्राहक भी हमारे साथ खड़ा कंधा से कंधा लगा, आप पहले तो खूब जाते थे, आप तो हमने अपने फोन भी बंद कर लिए हैं, उनसे बात नहीं करते हैं। जब हम ग्राहकों जाते थे ना बेचारा ठंडा पानी लाता था, काजू किशमिश लाता था, मैंने कहीं यहाँ बादाम भी खाए और इसके बाद मैंने ये देखा है कि कोई ग्राहक हमको जैसा लग रहा। तो मैं आप सबसे एक निवेदन यही कर रहा था, पैसे तो मिलेगा या मिल जाएगा लेकिन हमें इनके बीच में बहुत संबंध बना रहे, ये घबरा रहे, हमने इनसे दूरियां बना ली ना, घबरा रहे हैं कि आपका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा निवेदन है महीना में एक बार आप इस एरिया में मीटिंग करें और अपन ग्राहकों का डोर टू डोर जाएंगे, जैसे हम बिजनेस में जाते थे ना कि सर ये हैंडल नहीं हो रहे हमसे, तो चलो आप भी आ गए आप हमसे इस तरह उसको हैंडल, ये भैया मुझे एफआईआर करवा रहे हैं बात कर रहे हैं इसको मैं हैंडल कैसे करूँ आप बताइए, मैं बड़े संकट में हूँ। सभी के सामने ने बोला नहीं कि मैं इनकी एफआईआर कटवाने कहाँ जा रहा हूँ, थाने जा रहा हूँ, अब मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैं इन्हें कैसे रोकूँ आप बताइए। सही बात दीदी, आज अपन इनसे मिलेंगे तसल्ली देंगे इनको, आप इन्हें समझाएंगे कि भाई पैसा इसने नहीं खाया है, कंपनी के पास पैसा आया है, ये लगे हैं, तो ये संतुष्ट होगा। सही बात, तो मेरे यहाँ से कई लोग परेशान है सर, तुम्हारी जैसे कई लोग नहीं, वो तो हर व्यक्ति परेशान है, मानसिकता भी है। तो देखो पैसा तो निकाल के हमने दिया एजेंट ने, आप तो ऊपरी लिंक पे है, आप इतना दिक्कत दर्द नहीं है जितना परेशानी हम लोगों को, क्योंकि ये कस्टमर तो मेरे घर आएगा ना, फिर मैं आपको सर इसे कम मिलेंगे आपका मिलेंगे, तो सर हमारे दुख में आप भी थोड़ा सामान होइएगा, हम आपसे बाहर नहीं है और मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अगर मेरे आपने जो बोला पिछली बात बोली और सभी की सभी हर महीने मीटिंग होना चाहिए, आपने हमसे कम से कम चाहिए, हम ग्राहकों के पास भी लेना है आपको, सभी की समस्या ये बात पक्की है महीने में मीटिंग होगी, मीटिंग अपन करेंगे जी बराबर, लेकिन मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अपने ग्राहकों को अपन इकट्ठा करें, जैसे अपन यहाँ मीटिंग की जवाबदारी हमारी है ना जी, अगर अपन एक एक के घर जाएंगे जी तो एक दिन में कितने घर जा पाएंगे अपन, एक एक के घर जाने वाले कह रहे हैं का मतलब ही है मीटिंग कर रहे हैं महीने में चयन कर लेंगे अपन कौन सी करना है, बुरी बात नहीं कर लेते जाकर नहीं भी आ रही है अगली मीटिंग अपन करेंगे तो अपने सदस्य टोटल एमपी से करीब 1,00,000 रूपये चला गया उनके पास, तो 1,00,000 रूपये यहाँ से चला गया, 1,00,000 रूपये पंजाब से चला गया, 1,00,000 हरियाणा से चला गया, तो इस टाइप से पैसा इकट्ठा होगा और वो वहाँ पर पैर भी करेगा, तो अपन को जल्दी पैसा मिलेगा, तुरंत पैसा मिलेगा, तो अपन यही कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पैसा मिले, और इसीलिए हम लोग सब आपके चौहान साहब हैं, इंगले साहब हैं, नामदेव जी हैं, सब इसी संघर्ष में लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी पैसा मिले, भैया हमारा कम से कम सिरदर्द खत्म हो, आपका भी सिरदर्द खत्म होगा।
तो दोस्तों मैं कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसमें थोड़ा सा सेव करो। क्या है कि जैसे कार्ड है, एक कार्ड 50 पैसे का कार्ड आता है, पोस्ट कार्ड आता है 50 पैसे, उसके 4 कार्ड ले लो और उसमें कितने 2 रुपए के होंगे, 2 रुपए के कार्ड लेकर एक मुख्यमंत्री के नाम पे, एक प्रधानमंत्री के नाम पे और एक अपने सुप्रीम कोर्ट के जज के नाम पे, तीन तो ये हो गए और चौथा एक हो गया अपना लोढ़ा कमेटी, उसे भी किए लोढ़ा कमेटी सुप्रीम कोर्ट की, उसके नाम पे एक पोस्ट कर रहा, मात्र 2 रुपए खर्चा है। तो इतना अपन यदि कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। हो सकता है कि 10 कार्ड यहाँ से जाए या 100 कार्ड जाए, 100 में से एक आध दो शिवराज सिंह चौहान जी अपने एक आध दो कार्ड देखे, हो सकता है कि वो कार्ड पहुंचा दे तो अपनी बात बन सकती है। ये अपने साइड से प्रयास है, हम आपको आश्वासन नहीं दे रहे हैं, एकदम वो नहीं कर रहे हैं कि भाई हो ही जाएगा, हाँ लेकिन अपन अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं और हो सकता है भविष्य में कि अपना पेमेंट स्टार्ट हो जाए और जल्दी से होने से, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ऐसे आए हुए हैं, इसमें ऑप्शन कर दिया हमने और 2-4-6 पार्टियां आ चुकी है, जैसे इनके साहब ने बताया, तो पार्टी बहुत इंटरेस्टेड है, अपन को 20,000 करोड़ पेमेंट करना है और वो उनकी प्रॉपर्टी जो है वो 1,00,000 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है, तो हर पार्टी चाहेगी कि भाई हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी मिले तो हम फायदा भी हो, लोगों को कन्वर्ट भी कर दें, तो इस एवज में वो लोग लगे हुए हैं और हो सकता है कि 22 तारीख को डिसीजन आज के दिन या कल के दिन डिसीजन आ जाए, तो हो सकता है कि अपन लोग को पेमेंट स्टार्ट है, उन्होंने ये भी बोला है कि पेमेंट स्टार्ट कभी होता है तो हमें उसमें वक्त लगेगा, नेचुरल है भाई करोड़ों लोगों का पेमेंट करना है तो उसमें वक्त तो लगेगा। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपसे, आपको तो वैसे शिवराज सिंह चौहान जी अपने चौहान साहब ने सब बता दिया होगा, साहब ने बता दिया होगा, सभी लोगों ने आपको बताया है कि आपका जल्द से जल्द पैसा मिलेगा, आपको सिर्फ धैर्य रखना है कि अपन इतने दिनों तक धैर्य रखा है, थोड़ा और धैर्य रखें और कोशिश यही करेगी हम लोग सब, आने का मतलब यही है सरकार कि आपको हम किसी प्रकार से तकलीफ ना हो, हम भी तकलीफ झेल रहे हैं, आप भी तकलीफ झेल रहे हैं, सभी तकलीफ झेल रहे हैं, ऑर्डर अपने पास आ चुका है और हो सकता है कि कुछ जल्दी ही डिसीजन हो उसका, तो अपन ये अपने जो भी खातेदार है उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि भैया देखो हमने आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आपके लिए लड़ाई के अलावा हमारे भी जो खाते हैं उसकी सबके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपसे एक निवेदन मैं ये करूंगा कि आप इसमें क्या होगा कि जैसे सदस्य बन गए, 100 रुपये मुश्किल से देना है आपको, 100 रुपये बन के आप सदस्य बन गए ठीक है, उसके 2-4 महीने बाद फिर हम लोग फिर आएंगे, फिर देखे मांगे करेंगे वो करेंगे, तो उसमें क्या होता है वकील को हमें पैसे देना पड़ता है, वकील जो हम जो नहीं तो अपन लोगों ने एक दान भी 15 साल होगा एक दान भी नहीं होगा भैया, तो बात का पता हमने एरिया का समस्या, वहाँ तो कई बार पहुँच चुके सीएम आओ गांव में जन जाइए परसों, मैं तो ये कह रहा हूँ भैया कि अगर आप लोग इकट्ठे होते हैं तो उस दिन कलेक्टर को एक ज्ञापन, एक एसपी को, एक एसडीएम को, एक तहसीलदार को, विधानसभा अध्यक्ष को, विस अध्यक्ष जो है उनको भी, मतलब विधायक महोदय को, एक सांसद प्रतिनिधि को, सबको एक एक ज्ञापन देते ना रैली निकालकर, जब शहर में रैली निकलेगी तो आदमी सोचेगा कि यार ये रैली है काहे की, वो भी टोपी लगाकर, क्योंकि अपनी पहचान इस समय टोपी है, नहीं तो भीड़ में आपको कोई नहीं पहचानेगा। अरे वो तो आवेदन जो जनसंपर्क यात्रा चल रही है वहाँ एसडीएम भी रहेगा, कलेक्टर भी रहेगा, विधायक भी रहेगा, सांसद तो सबके हो जाए, जो जहाँ आए भाई दे दो, हर चौराहे पर 25 साल भी खड़े होकर भैया हमारी समस्या जा है, तुम्हारी जनसंपर्क यात्रा हमारी यात्रा जा देख लो पहले, हर चौराहे पर रोड पे इतने लोग उतरे क्यों, सुनिए तो आप सुनिए, कलेक्टर और थाने पे जाने की बात कर रहे हैं तो सब मिलकर अगर वहाँ पहुँच जाए तो थोड़ा सा विचार करना, एक बार आप नारे लगाओगे पहले नोट फिर वोट, तो गवर्नमेंट को नेताओं को सोचना पड़ेगा कि यार ये कारण क्या है, क्योंकि 3,000 वोट हो रहे हैं ना, और आप उनको जब पूरी चीज